जब भारत की संस्कृति अपने चरम की थी तो हम जाहिल और गवार थे। इंडियन ने नहीं लिखा, ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखता है। हेनरी किंग तो शुरू करता है अंग्रेजी भाषा, उस समय तक उनके पास सॉलिडिफाइड लैंग्वेज नहीं, और आज भी अगर लैंग्वेज को आप कंपेयर करेंगे यू विल arrive at the conclusion English is the most illogical language of the world. Now, so क्या मेथोलॉजी होगी? अब आप रिसर्च लिखते हैं पीएचडी में तो कहते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट होगा, टर्म्स डिफाइंड होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगी, फिर हाइपोथेसिस होगी, फिर मेथोलॉजी होगी। अगर हम कहें कि हम भारतीय मेथोलॉजी को लेकर काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड दिखाई और आगे ये सारे इम्प्लीकेशंस और नेक्स्ट। अच्छा ये सपोर्ट नहीं कर रहा है सिस्टम, कोई बात और आगे नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बात। तो मात्र तीन स्टेप में पूरी के पूरी रिसर्च को खत्म कर देता है वो। संस्कृत के टर्म है उद्देश्य, लक्षणा और परीक्षा। ज्ञान के चार स्रोतों में सबको समाहित कर लेता है, जिसको संस्कृत में कहा गया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी। आर्ट ऑफ डिबेटिंग, थियरी ऑफ डिबेट पूरा का पूरा दिया गया, जिसमें छल, जाति, विग्रह, स्थान सबका स्थान है, लेकिन इंडिया के किसी भी लॉ स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया जाता है कि जब आप कंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट को तो किस तर्क का प्रयोग करते हैं। One of my friends is justice in High Court. तो ऐसे ही हम आ रहे थे धर्मशाला से पठानकोट तक, तो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर झा क्यों नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने इंडिया में पढ़ाई नहीं की है, उनके फादर अमेरिका में ही प्रोफेसर है हिस्ट्री के, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नो आई शुड गो बैक टू इंडिया और मैं अपनी लीगल सर्विस दूँ। बहुत एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जज हुए और बहुत छोटी उम्र में हाईकोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला। उनका बट वाई वी डोंट, वी पीपल डोंट स्टडी, आई सेड मेजॉरिटी ऑफ अस वी डोंट नो दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन आवर नॉलेज, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। तो पहली बात, ये पढ़ाई करते रहिए मॉडर्न एजुकेशन, इसको छोड़िए मत, लेकिन जैसे ही जीवन में मौका मिले कोई ना कोई अपने कल्चर से, अपनी सांस्कृतिक विरासत से, अपनी पूरी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि में से कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके उस पर कर डाले। अभी पिछले महीने एक संस्कृत इंस्टीट्यूट है, जिंझा रिसर्च इंस्टीट्यूट अलाहाबाद, जिसको जो प्रयागराज हो गए, तो वो मुझे चाहते थे कि न्याय मेथोलॉजी में क्या है रिसर्च पे उस पर बात की जाए, बट इवन दी पीपल डोंट डू, वो उसी मॉडल को लेंगे। Now, last but not the least, अब हम आर्ट ऑफ डिबेटिंग नहीं कहेंगे, शायद दिखेगा नहीं, दिखेगा तेरा स्लाइड्स नहीं दिखेगा तो मैं बंद कर दूंगा, नहीं दिखेगा नेक्स्ट करिए, करते जाइए, दिखेगा। अब हम मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और खत्म करते हैं कि ये जितनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन मैथमेटिकल नॉलेज इज अ फार सुपीरियर देन दी प्रेजेंट मैथमेटिकल नॉलेज, नो, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि भारत का सब कुछ महान है, या ये भी नहीं कहूंगा कि जो कुछ आज साइंस कर रहा है वो सब कुछ भारत में था, नहीं, ऐसा नहीं होता है, चीजें बदलती रहती हैं। जिस तेजी के साथ गणितीय ज्ञान बढ़ा है पूरी दुनिया में वो भारत में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर रुक चुका है वो। लेकिन आप देखेंगे लीलावती का अध्ययन करके देखिए, भास्कराचार्य का देखिए, तो एक से एक मैथमेटिक्स में, मैं आज सुबह देख रहा था कि अगर कुछ बच्चे पूछ दें कि मैं गणित, इंडियन नॉलेज सिस्टम में गणित को समझना चाहता हूं तो किसको पढ़ूं, सुलभा सूत्र को पढ़ के देखिए, लीलावती को पढ़ के देखिए, आर्यभट्ट को पढ़ के देखिए, भास्कराचार्य को, एक एग्जांपल आपको दिया था कि जब 106 से ज्यादा ग्रीक को समझ नहीं थी शब्दों नंबर का, हमें 10^15 का था, और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आज भी कंप्यूटर के जमाने में भी हम 10^13 तक का ही हमारे पास नंबर सिस्टम का नॉलेज है,
आप माधवाचार्य को पढ़ेंगे जो लगभग 250 बीसी के आसपास हुआ, भास्कराचार्य 1 एंड भास्कराचार्य 2, आपको ताजुब होगा यजुर्वेद में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लियर कट नॉलेज है। ब्रह्मगुप्त, गोविंद स्वामी, अगर आप नाम उससे पूछते जाएंगे तो कम से कम 100 मैथमेटिशियंस हैं जिनको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, वैदिक मैथमेटिक्स भारत में क्या था गणित के नाम पे, तो वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स सिर्फ न्यूमरोलॉजी, नंबर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ नहीं है वहां, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, तो ये तमाम लोगों ने काम किया। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ कि हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ले आए, तो हमको पाइथागोरस का थ्योरम तो पता है, लेकिन लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अभी अभी एक थिंकर है जिसने बड़ा अच्छा पेपर लिखा है, मैं उसको देख रहा था, जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है द क्लासिकल नियो न्याय मैथमेटिक्स। अब देखिए भारत का कोई भी नहीं लिखा है, ये व्यक्ति भी फॉरेनर है जिसने लिखा है अभी। उसी तरह एक और व्यक्ति है जिसने स्टडी किया है कि किस तरीके से जो मैथमेटिकल आर्गुमेंट की डेवलपमेंट हम करते हैं उसका बेस्ट मॉडल रिप्रेजेंटेड है न्याय लॉजिक में। ये सारे सोर्सेस अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी एक और मुझे बहुत अच्छा पेपर मिला, क्योंकि जब आप बड़े इंस्टीट्यूट के लिए बोलते हैं, मान लीजिए IIT के लिए बोलते हैं, कहीं और के लिए बोलते हैं, तो उस तरीके से आपको करना ही पड़ता है। जो हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, तो ब्रिज मोहन लाल जी की बहुत अच्छी एक आर्टिकल आई है, जरूर पढ़िएगा, उसका नाम ही है हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल रीट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिया ग्लोरियस पास्ट। उसी में से कुछ अंश मैंने आपको कोट किया कि विलियम डैपो ऐसा व्यक्ति लिखता है जो इंग्लैंड का रिसर्चर है कि दी रैपिडिटी ऑफ इट्स स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड इज अ सिग्निफिकेंट इलस्ट्रेशन ऑफ फियरफुल इमॉर्टैलिटी ऑफ द टाइम्स। ए नेशन सो इलिटरेट दैट मेनी ऑफ इट्स पीयर्स इन पार्लियामेंट कुड नीदर रीड और राइट। इंडियन ने नहीं लिखा है, पार्लियामेंट तो दुनिया का कोई भी हो, वहां के बहुत सारे लोग पढ़े लिख नहीं सकते, आपको पता ही। लेकिन वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बारे में लिख रहा है। एनीवे, इसी तरीके से एक और स्टडी मुझे मिली कुछ दिन पहले, जब उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मैं कर रहा था, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से न्याय के सूत्र को लेके उसने मैथमेटिकल आर्गुमेंट की रिसर्च की। मैं इसलिए आया हूं कि अगर क्या हम पेडागॉजी में साइंस ऑफ टीचिंग, हालांकि पेडागॉजी इज नॉट साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागॉजी इज मच मोर देन साइंस ऑफ टीचिंग, हम इंडियन मॉडल ऑफ टीचिंग कुछ डेवलप कर सकते हैं जो एरिस्टोटलियन मॉडल से या दुनिया के बाकी मॉडल से डिफरेंट होगा, मेरा मानना है। यस, और उसके लिए एक मॉडल है जिसको पंचपाद सिद्धांत कहते हैं, जो ऑल मेन आर मॉर्टल, मोहन इज ए मैन सो मोहन इज ए मॉर्टल को ट्रांसेंड करता है। उसमें तीन पदों में सब रिपीट हो जाता है, मेजर प्रमाइज, माइनर प्रमाइज और कंक्लूजन। लेकिन आपको ताज्जुब होगा जब आप न्याय एपिस्टेमोलॉजी या न्याय लॉजिक के आर्गुमेंट को देखेंगे तो उसका नाम अलग अलग है लेकिन चीजें यही है। उसमें दो पद और हैं और वो प्राइमरी टीचिंग के लिए, जो बच्चे खासकर लोअर लेवल पे कंसेप्चुअलाइजेशन में जिनको प्रॉब्लम होती है उसके लिए बेस्ट होगा। आई एम थिंकिंग कि एक ICCR को, अब चूंकि मैं उसका एवेलेटेड हूं तो मैं तो नहीं सबमिट कर पाऊंगा, कोई ना कोई करे और उस पर काम करे। और इसलिए केवल ICCR नहीं, ICPR भी चाहता है इस तरह का काम। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, आई कंक्लूड फ्रेंड्स, आई हैव टेकन 5 to 10 minutes मोर। यू चूज एनी फील्ड, एसोसिएट योरसेल्फ विद वन ऑफ द स्कॉलर्स एंड ग्रो योरसेल्फ एज इंडियन थिंकर in a particular field of study along with whatever you are doing. Whatever you are doing, nobody is going to stop you. So being an engineer, you can be a very good writer. Rajiv Malhotra ka naam aap logon ne suna hoga.
Infinity Foundation Science System is College Delhi University का प्रोडक्ट और मिलियनायर है ये उसका, और उसकी तमाम किताबें पिछले 10 साल में इंडियन ओरिजिन पे निकल के आ रही हैं। मैनेजमेंट का आदमी है बट ही स्टडीज इंडियन थॉट सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो इस तरह के काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह ये है कि हम अमेरिका जाके और इंग्लैंड जाके काम ना करें, यहीं रह के अगर काम करें तो ये आपकी अपनी तार्किक शक्ति के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. So the glimpse of the rich Indian culture and heritage provided by you is truly encouraging. The facts and figures provided by you from our scriptures are quite astonishing. Yes, we can say that India is truly a Vishwaguru in every respect. Now, with great pride and humility, I'm going to introduce our resource person for the theme 1, Dr. Kushvinder Kumar, Principal, M.M. Modi College, Patiala. Sir has a vast experience of teaching at various educational levels and holds an extensive research expertise. Sir has presented many papers at international and national level, and sir has been working as various So, with great humility, I hereby request sir to kindly commence with the session on the theme, Rural Innovation and Startup Policy in Sustainable Development in Nature. Thank you, sir. With that host you apology from Professor Jha, I would like to mix the language English and Punjabi because I know most of the students are more comfortable in Punjabi. Very beautifully, concentrating on the first part of the theme of today's conference, Exploring the Glorious Past. The topic was Exploring the Glorious Past, Promising Present, and Future Roadmap to Vishwaguru. Very beautifully, very nicely, Professor Jha have invoked the interest to go through the scriptures, which will help us in shedding of our poor self-concept. Because over the years, our poor self-concept has been developed. Why or how it has been developed, I'll take 5 minutes on this also. Professor Jha, I was reminded of when you started from zero. I was reminded of one of my teacher during my MSc Mathematics. Very beautifully, on Malhar Road, Pradhanji are not present, he might be knowing. The name of his residence was written on very bold on the front, Zero to Infinity. Zero to Infinity. Very few mathematicians reach this level when they relate the two, the two sides of the same coin, philosophy and mathematics. Fortunately, Professor Jha is one of them. I would like to give two introductions of Professor Jha. The philosophy which he was talking, the Nair philosophy, he is the first person in India to write a book on Nair philosophy. Secondly, in research methodology, the PG students or almost all teachers might be well versed with the name of the book of Best and Kahn. Am I right?
The latest edition of Best Khan and Khan is in the name of Best Khan and Jha. Who was speaking before you? I just try to explain that. Poor self-concept to me gazal kar raha si, because I have to concentrate on the present, what we should do. Dear students, मैं शायद सिर्फ ते सिर्फ एजुकेशन की गल नहीं करूँगा क्योंकि तुहाडे सामने जो स्कोप है जॉब का सिर्फ ते सिर्फ एजुकेशन है ये मिसनोमर है मिसपरसैप्शन है बल्कि उस तो बाद उस तो बाहर कितने ज़्यादा तुहाडे कोल चांसेस ने कम दे सक्सेस दे साडी सोसाइटी दे विच ये गल तो मन्नी जांदी है कि बच्चे का पहला अध्यापक माँ की गोद होंगी है लेकिन साड़ी पेरेंटिंग उस माँ की गोद तो चल के बच्चे परवरिश किवें करती है जिहदे विच साडा एक अपने आप प्रति एक कॉन्सैप्ट बनता चलिया जाता है तो वह कॉन्सैप्ट उदों तक जाता है जदों बहुते गर्ल स्टूडेंट्स बैठे हैं कि लड़कियों की भी गल हुई है रिएक्शन का फर्क हो जो तुसी पहली बार कितने सोसाइटी बड़ी कल्ले जा रहे हो बड़ी अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन फेस कर रहे हो लड़कियों का रिएक्शन की होंगे मैं थोड़े तो पूछ रहा एक दूसरे का दस दो लड़के लड़कियों का रिएक्शन दस देना एंड अदरवाइज बॉयज दस दो थोड़ा की रिएक्शन होंगे लास्ट लाइन च बैठे कुछ पांच चार हम गिनती इन्नी करेगी मेरा क्वेश्चन शायद पहुंचे नहीं उन्होंने तक आवाज तो शायद पहुंच रही है किसी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन च कल्ले जाते जाते अचानक फस गए बेटे मेरी गल सुन लो वैसे सुन लो किसी कल्ले जाते जाते दसवीं ग्यारहवीं च पढ़ते सी किसी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन च फस गए कल्ले सी की रिएक्शन होंगे लड़कियां मैं इन्हों होर कंक्रीट कर मैं बहुत माड़े क्वेश्चन पूछ प्लीज हाँ जी समझ आती है मैं इतों बोल रहा है शायद मैं पढ़ पढ़ के आया पर साढ़े मापियां
ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ, ਘਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੇਡ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਕੇ ਦਾ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋ ਪਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਟੀਨ ਏਜ ਸਮੇਂ ਕਿ ਦੈਨ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਹੂ ਆਈ ਐਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਰਿਜ। ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਪੈਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੋਗੇ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਪ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਰਹੀਏ, ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਹੀਏ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਬਲ ਲੋਰੀਅਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀ ਸੀ ਬੋਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਮਨ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਹੈ,
अभिजीत बैनर्जी है, पढ़ लो कि फील्ड से इन्होंने, ये सारे इंडियन से, लेकिन नोबल लॉरेट कितने जाके बने? बाहर जाके। मैं हूं तो अगली गल कहना, पेरेंटिंग तो अगली गल, साडे किसी ओरिजिनल आइडिया थॉट फिलोसफी लई भी शायद उन्हीं को नहीं रही बहुत लंबा समय। जी वो गल करते सी तो उन्होंने बहुत सारिया बंदिशा सी, इसलिए वो इस माहौल चो किसी होर च गए जिथे इनोवेशन न्यू आइडिया नू थोड़ी जी ज्यादा कम सी। बेटे सैल्फी समय बाद मैं भी आ जाऊंगा थोड़े नाल, शायद उन्नी खूबसूरत तो ना रहे। प्रोफेसर झा परसनैलिटी की गल कर रहे थे, जो गलती थोड़े कन्ना च पैगी हो गई, वो इसे परसनैलिटी की गल कर रहे थे कि वैसटर्न कंसैप्ट आउटर परसोना का, इंडियन कंसैप्ट इन्हों का। डॉक्टर मनु नीड नॉट टू रेस्टलेस, तो तुम्हें पता है मेरा स्टाइल है, मेरी नज़र ही उत्थे पड़ी हुई है। सो अज की जो कॉन्फ्रेंस है, थैंक्स टू डॉक्टर प्रगट, इन्होंने रखी है थोड़ा इनर परसोना शिंगारने। आउटर तो तुम सवेरे सवेरे बहुत पाउडर क्रीम मेकअप सब कुछ करके आने करना चाहिए, मैं तो गल ही सैल्फ लव की गल कर रहा है, टू शेडिंग आउट ऑफ द पुअर सैल्फ कॉन्सैप्ट की गल कर रहा है। जब तक मैं अपने आप में शीशे मूहे खड़ के मेरे मुँह चो बाहर ही निकलती वाह कमाल है, उन्नी देर तक मैं नहीं तुरना चाहिए। पर दूसरी गल भी है कि जो मैं बोलना पे जी मेरे लफ्जा सुन के दूजे के मुँह वाह निकलूगी, तुसी अध्यापक हो, तुसी अध्यापक बनन जा रहे, जी वो नहीं निकलती दूसरे के मुँह, देन थिंक ऑफ योर परसनैलिटी, देन थिंक ऑफ योर परसनैलिटी। बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स फस गए हैं अल्ले तुम नहीं, जो मैं असं कह रहे सारे असी इस वक्त एडिक्ट हो चुके हैं दूजा मेरे बारे की ओपीनियन दे रहा है जिते जिते मैं सैल्फी पाती हूँ। ये भी मार्केटिंग है बहुत वड्डी है, जो मैं इनोवेशन पर आऊँगा ये भी तुम कम कर सकते हो, बहुत वड्डा फील्ड है। मैं कुछ नौ जे तुम पता है कौन है तो दस दौ, अमन गुप्ता, विजय शेखर, भविष्य अग्रवाल, शांतनु प्रकाश, साल खान, आमिर खान, साल खान, कोई आइडिया? नहीं प्लीज, मैं पता है कि तुम्हें पता है आपको पता है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन, मार्क जुकरबर्ग, एनीबॉडी, एनीबॉडी, मार्क जुकरबर्ग, हाँ हाँ बोल दो, कोई एक जना बोल दो, गलत बोल दो, हाँ जी, गुड गुड, स्टीव जॉब्स, गुड, बहुत कुछ होना, जॉब डॉर्स, जैक डॉर्सी, एनी हो, मैं नाम किधर ले रहा सी, सैम ऑल्टमैन ते मैं एंड चाके गल करूंगा, चैट जीपीटी किन्ने ने सुना है, चैट जीपीटी यूज किया, वेरी गुड, बहुत बड़ी उम्मीद है साढ़े को पई, बहुत बड़ी उम्मीद पई है। मैं थोड़ा एक कम नहीं बेटे टोकिया सी, सिर्फ इस करके साड़ी नज़र किधर नू चाहिए है, और फिशाई केड़ी है जिदे ते असी एरो अपना टारगेट करना है। मैं जिहड़े पहले नाम लै रहा सी हुण मैं उहनां दे रिलेटेड दूजा नाम लैंदा, पेटीएम सुनया है, फोन पे सुनया है, हाँ जी सुनया है, ओला, खान अकेडमी, एजुकॉम, मैं जो ब्रेन सी उन्हें तो पिछे मैं उन्होंने नाम लए सी पहला जो इन्होंने फाउंडर से इंडियन ने सारे, जो पहले चार द्वारा पूछे सी सेकंड क्वेश्चन जो सारे बाहर ले ने। वट आई वट थीसिस आई विश टू बिल्ड,
जिहड़े पहले चार नाम लए सी उहदे च बहुत वंडरफुल कॉमनैलिटी है मार्क ज़करबर्ग स्टीव जॉब्स जैक डॉर्सी सैम ऑल्टमैन ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਰੌਪ ਆਊਟ ਸੀ ਡਰੌਪਰਸ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕੇ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਸਟ ਗੇਵ ਮੀ ਦ ਟਿਊਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਥੋਟ ਵਿਚ ਆਈ ਸਡਨਲੀ ਗੋਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੁਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬਣੂਗਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕਰ ਬਣੂਗਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਪਲ ਟਵਿੱਟਰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਯੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਜੇ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 2011 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਟ 2016 'ਚ ਆਇਆ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਪੇ 2015 ਜਾਂ 17 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਟੀਐਮ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਓਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 2016 'ਚ ਆਇਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੈਡ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਖਾਨ ਲੈਬ ਸਕੂਲ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ ਸਵਿਗੀ 2014 'ਚ ਆਇਆ ਐਂਡਲੈਸ ਗਿਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ